Hey guys and welcome back to our channel and welcome back to our new video। तो guys आ चुका है आपका भाई एक और ओपी से वीडियो के साथ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कल या आज के बीच में अपना होने वाला है रैंक सीजन चेंज। 1 तारीख को अपना रैंक सीजन आ जाएगा और उसी के ऊपर लेके आ चुका है आपका भाई एक बेस्ट करेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन जिसके साथ आप हर मैच बुया कर सकते हो। तो फर्स्ट नंबर आपको लेना है हायाटो करेक्टर और सेकंड नंबर पे आपको ले लेना है अपना जो कि होने वाला है मिसा करेक्टर। हमको गाड़ी के अंदर डैमेज नहीं पड़ने देता। और एक्टिव स्किल में आपको ले लेना है जो कि अपना के करेक्टर है, क्योंकि हमको ऑटोमेटिकली ईपी वगैरह देता रहता है और हमारा एचपी फुल करता है। और साथ ही साथ आपको लेना जोसेफ जो कि हमारा मूवमेंट स्पीड इंक्रीज करता है डैमेज पड़ने पर। और पैट में लेना है आपको फैल्को जो कि मैं हर बार बताता ही हूँ, क्योंकि हमको लैंड करने के लिए बहुत जल्दी हो जाता है उससे। और एक्टिव में लेना है अपने को बॉनफायर में लेना है जिससे हमको घर मिलता है। तो फटाफट से मैं कर देता हूँ इधर मैच को स्टार्ट, क्योंकि भाई इधर स्टार्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा था, बट कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। आपके भाई ने थोड़ा सा स्पीड तेज कर दिया, आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं होगा। और अभी तक आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को, क्योंकि भाई चैनल इस टाइम बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। तो प्लीज़ भाई लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। आपके भाई के चैनल पे एक स्ट्राइक भी पड़ चुका है एक छोटा सा क्लिप यूज़ करने की वजह से, बट कोई दिक्कत वाला सीन नहीं। आपका भाई फिर भी कंटिन्यू वीडियो लाता रहेगा। आप लोग सब्सक्राइब करके रखो यार जिसने भी नहीं किया है। तो फटाफट से चलो अपना मैच भी स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट देख लेते हैं भाई लॉबी भी कैसा आया अपना। लॉबी भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही लग रहा है, देख लेते हैं। हाँ लॉबी भी भाई ठीक ठाक ही है, बंदे ठीक ठाक लग रहे हैं, बट कोई दिक्कत वाला सीन नहीं। आपका भाई पिरो है यार, निकाल सकता है इसी तरीके से। सोलो का तुम्हारे भाई को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बट सोलो भाई खेलने में थोड़ी फटती है, बट कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। ओके भाई देख रहे हो क्या ही तो खतरनाक वाला लैंडिंग एनिमेशन है आपके भाई के पास। अगर इस वीडियो पे आप लोग 500 लाइक करवा देते हो तो मैं शायद से एक बंदे को निकाल के दे सकता हूँ। तो ट्राई करना, अगर आप लोग 500 लाइक करवा देते हो तो मैं निकाल के दे सकता हूँ एक बंदे को एनिमेशन ये, और जल्दी करवाना भाई, ठीक है। चलो फटाफट से देख लेते हैं और बंदे बढ़ते अपने अगली वीडियो की तरफ। देख लेते हैं भाई बंदे किधर की साइड में कम जा रहे, क्योंकि हमको ऐसी जगह जाने का जहाँ 1 से 2 बंदे जाए। ओके हम ऑब्जर्वेटरी निकल लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ 1 या 2 ही बंदे आ रहे होंगे मैक्सिमम, बट कोई दिक्कत वाला सीन नहीं। फटाफट से देख लेते हैं और भाई क्या ही तो खतरनाक वाली सुपर हीरो वाली लैंडिंग कर रहा है, आप लोग समझ सकते हो भाई क्या ही तो खतरनाक दिख रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फटाफट से इस वीडियो को 500 लाइक करवा देना। आप लोग जितनी जल्दी करवा दोगे मैं उतनी जल्दी ट्राई कर सकता हूँ एक बंदे को देने के लिए, ठीक है। ओके देख लेते फटाफट से, हाँ एक बंदा ही आ रहा है हमारे साथ। और भाई मैं गलती से ऊपर ही उतर जाता हूँ, बट इधर जंप करता हूँ और सीधा भाई मेरे को नीचे जाते ही मिल जाती है ट्रोगन, जो कि मेरे को एक पैसे की भी पसंद नहीं है। मैं इस बंदे को इतना मारता हूँ दूर लगती है, तो वो बंदा मेरे को मार देता है और वो 10 हेल्थ से बच जाता है। बट कोई दिक्कत वाला सीन नहीं, क्योंकि हमको सोलो के अंदर एक बार रिवाइव होने का चांस मिलता है। तो आपका भाई वापसी से इधर ही आ जाता है, क्योंकि उस बंदे को मारना है इसने हमको मारा था, क्योंकि हम उसने हमारा किल ले लिया। बट कोई दिक्कत वाला सीन नहीं, हमको भी उसका किल लेना है। तो भाई आपको पहले तो ऐसी जगह उतरना है उससे थोड़ा सा दूरी पर, क्योंकि भाई वो बंदा मारना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बिल्कुल उसके मुंह पे उतर जाते हैं, हमारा करेक्टर इतना देर में सीधा नहीं हो पाता और वो बंदा हमको हेडशॉट मार के ख़त्म कर देता है। बट पहले मैं इधर से फटाफट से थोड़ा सा लूट कर लेता हूँ, इधर से लूट वूट कर लेते हैं। और वो बंदे भी साथ से आ चुका है, बंदा भी इधर साथ से उसके फुल स्टेप आ रहे हैं, बंदा भी आने लगा है। बट मैं इधर से फटाफट से लॉन्चर उठा लेता हूँ, क्योंकि भाई ये वाला लॉन्चर बहुत ज़्यादा काम आता है यार। और भाई देखते हैं फटाफट से, ओके बंदा रस कर चुका है मेरे को, ओके 120 का हेड लगा है यार उसको, बट कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। ओके चलो बंदे काम करना, बंदा इधर ही ख़त्म हो चुका है। और देख लेते हैं शायद से भाई कहीं पता लगे वो ऊपर ही इधर ही आके हमारी गोभी ठेस दे, बट कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। पहले तो फटाफट से मैडी मार लेते और इधर हमको कैंप करना है, क्योंकि अपना 1 किल हो चुका है, 36 बंदे अभी भी अलाइव है। हमको अभी फाइट नहीं लेने का है, क्योंकि हमारा 1 किल हो चुका है तो किल की टेंशन नहीं है। हमको लास्ट में 1-2 किल और मिल जाए तो हमारा अच्छा खासा प्लस हो जाएगा। ओके इधर ही लूट वूट कर लेते हैं मस्त तरीके से, पहले पूरा लूट वूट करेंगे इधर ही भाई, देखते हैं क्या क्या मिल जाता है, क्योंकि पास में ही ब्लू जोन भी है। अगर इधर लूट का कमी पड़ेगा तो हम उधर भी जा सकते हैं, क्योंकि बंदे नहीं आए थे इधर बंदे ज़्यादा। पीक और क्लॉक टावर की साइड में ज़्यादा बंदे निकल जाते हैं, बट आप लोग को ऐसी जगह उतरना जहाँ ट्राई करना 1 से 2 बंदे आए, क्योंकि भाई हम लोग वहाँ इजी तरीके से किल वगैरह भी कर सकते हैं और मरने के चांसेस भी कम होते हैं, ठीक है।
और बाई चांस मर भी जाते हैं तो हम लोग उधर ही कहीं साइड में जा सकते हैं। अगर सोचो हम लोग बीच में जाएंगे और मर जाते हैं तो फिर हमको ज़्यादा दूर भी रिवाइव करके नहीं गिराता, क्योंकि भाई ये फिर हमारा माइनस लगने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। बट उसकी कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है, हम टॉप 10 के पास भी आ चुके हैं। इधर ही ड्रॉप दिखता है, होल्ड करते करते मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है। इधर ड्रॉप से लेवल 4 की बेस्ट होता था और भाई बच जाता हूँ इधर ही, क्योंकि एक बंदा इधर गाड़ी से आ रहा था यार, वो मेरे को ठोक सकता था। बट कोई दिक्कत वाला सीन नहीं, अपने टॉप 10 के अंदर आ चुके हैं। और इसी के साथ भाई अब होता है असली गेम स्टार्ट। इधर भाई आपको पता, देखो अपना लास्ट जोन आने वाला है और 10 बंदे अभी भी बाकी है। वो भाई सारे बंदे गाड़ियों से घूम रहे हैं और इधर ही देखना आपको, बस मिसा का यूज़ इधर ही देखना है। आप लोग किल की लालच के चक्कर में जाते हो, इसलिए आप लोग का बुइया नहीं हो पाता सोलो में। बस आप लोग देखो मैंने कैसे इस मैच को बुइया निकाला है। आप लोग आए हो कि ट्रिक आप लोग ट्राई करोगे तो भाई आप बहुत इजी तरीके से बुइया कर सकते हो। बस आपको गाड़ी का सहारा लेके खेलना है, आप लोग बुइया कर सकते हो बहुत इजी तरीके से सोलो के अंदर। क्योंकि भाई आप लोग के मैंने देखा बहुत सारे भाई लोग के बुइया वगैरह नहीं होते, थर्ड पार्टी का शिकार हो जाते हैं वो बंदे लास्ट में जाके। वैसे कैंप वगैरह कर लेते हैं बट वो लास्ट में जाके भाई थर्ड पार्टी का शिकार हो जाते और इसी के साथ उनका बुइया वगैरह मिस हो जाता है। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप बुइया कर सकते हो, ठीक है। एक बंदे ने उसको उड़ाया और एक बंदा मैं इधर जाके देखो गाड़ी से ही मैंने उसको किल ले लिया। मेरे अलावा अभी 2 बंदे बाकी है, ठीक है, जो कि दोनों के दोनों गाड़ी से घूम रहे हैं, लास्ट सर्कल है। बट यहीं आप लोग गलती कर जाते हो, आप लोग सोचते हो लालच में भाई, लालच में आ जाते हो किल के कि बंदे को मार लेंगे, बट वो भाई बंदा आपको गाड़ी से उड़ा जाता है। जैसे कि मैं भाई इधर देख रहा हूँ, मैं पूरा टाइम गाड़ी में घूमता रहूँगा, लास्ट सर्कल भी अपना ख़त्म हो चुका है और भाई बंदे देख रहे हो फिर भी गाड़ी से नहीं उतर रहे। अगर मैं यहाँ पे गलती करूँ तो मैं उतर के सोचूं कि एक बंदे को मार दूं, अभी ज़्यादा फर्स्ट एड हो गया तो मैं सोचता हूँ एक बंदे को मार दूं, बट नहीं, ये गलती नहीं करना है आपको। बस गाड़ी के में ही घूमना है, क्योंकि भाई जो लास्ट के 2 बंदे ना, पहले उनको फ़ाइट लेने देना है। जब उनमें से एक आध बंदा मर जाएगा, वो डैमेज होगा, तो हम उसके बाद उससे फ़ाइट लेंगे तो हमारा ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि हमको बुइया मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि एक बंदा सामने ऑलरेडी डैमेज रहेगा तो हमको बुइया मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। देख लेते भाई वो बंदा भी, तीनों के तीनों देखो अभी गाड़ी के अंदर है। मैं अभी फ़ाइट नहीं लेने वाला क्योंकि मेरे 2 किल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मेरे को भाई कोई पंगे लेने नहीं है, क्योंकि मेरे को चाहिए बुइया। इससे बुइया करते हो तो आपका KD वगैरह भी बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग किसी की गिल्ड में जाना चाहते हो तो भाई आपका KD पहले देखता है, और किसी की भी आईडी आप एक्सपेक्ट करते हो तो सबसे पहले भाई उसका KD भी नज़र पड़ता है कि भाई KD क्या है बंदे का, उसके बाद ही ऐड करेंगे या फ्रेंड लिस्ट में भी लेंगे। तो बंदे आज के टाइम में आप लोग देख सकते हो, बट सोलो के अंदर आपका KD अच्छा रहना चाहिए। आप लोग का स्क्वाड वगैरह नहीं है तो भाई सोलो का KD आपका बहुत ज़्यादा मेंटेन करना चाहिए। बट चलो देख लेते हैं, ओके लास्ट के बंदे बचे भाई दोनों, और दोनों के दोनों गाड़ी से उतरना नहीं चाह रहे यार बिल्कुल भी, आप लोग देख सकते हो। बट मैंने भी भाई इधर कसम ही खा रखा था कि मैं भी गाड़ी से नहीं उतरूंगा जब तक ये लोग आपस में फाइट नहीं लेंगे। लास्ट जोन देखो कितना छोटा हो चुका है और बंदे भाई फिर भी उतरने का नाम नहीं ले रहे। बट देख रहे हो भाई इधर गाड़ी घुमाने तक का जगह नहीं है। ओके एक बंदा उतर के ओरियन बन गया इधर, और भाई जैसे ही वो इधर ओरियन बनता है ना, उन दोनों का फाइट हो जाता है, ठीक है। और एक बंदे को देखो वो मार भी देता है, ये घाटा हो गया, ठीक है। उसका उतरना नहीं चाहिए इसीलिए गाड़ी से, मैं जैसे फटाफट से गाड़ी में, क्योंकि भाई अब जॉन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। तो बंदे को इसको एक M10 मारता हूँ, और उसके पास भी M10 है भाई, वो भी मेरे को मार रहा था। बट मैंने इधर स्काईलर मार के उसको ईजी तरीके से 2 गोली मार के बुइया कर लिया। आप लोग भी ऐसे बुइया कर सकते हो भाई बहुत ही ईजी तरीके से। अगर आप लोग का बुइया वगैरह नहीं होता सोलो में तो आप लोग ये ट्रिक इस्तेमाल करके बुइया कर सकते हो भाई, बहुत इजी तरीका है। आप लोग भी ट्राई करना, अपने दोस्तों वगैरह में भी शेयर कर देता, और देख लेते हैं हमारा कितना प्लस हुआ। ओके 23 का हमारा प्लस हो गया है। आई होप यार वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।